तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिया था। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए लाइन अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल टू, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, एक्स इज इक्वल टू आ जाए, एस इज इक्वल टू आ जाए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो 4t³ माइनस 3t² प्लस 5t माइनस 1, वेयर एस इज द मेजर इन मीटर्स, बता दिया मीटर में है, टी इज मेजर इन सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और टाइम टी, एट वॉट टाइम द एक्सेलरेशन इज जीरो। आपके बाद देखो इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कनेक्टिविटी कहाँ से दी गई है ये देखना जरूरी है। तुम्हें कनेक्टिविटी कहाँ से दी गई है, तुम्हें कनेक्टिविटी, तुम्हें कनेक्शन कहीं ना कहीं से इस बार एक्सेलरेशन की इक्वेशन से दी गई है, मतलब एक्सेलरेशन की जो भी इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये तुम्हें कनेक्शन मिला, कनेक्शन भी ढूंढना सीखो जरा सा, कि यहां पर एक 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 जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है, एक डेटा दिया गया है, क्या डेटा है आपको जो कनेक्ट कर रहा है, वो ये है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन, मतलब ना एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब एक्सेलरेशन की जो भी इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो सर एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो दी नहीं है। अरे नहीं दी है तो क्या हुआ, निकालेंगे, निकाल लो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ए ये देखो डिफरेंशिएट, भाई डिफरेंशिएट कैसे करना है प्लीज, अब वो चीज़ में उलझाना नहीं है, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ने का तरीका समझो कि हमारा फोकस कहाँ पर है। अगर मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है, ये मेन था कि ये इस चैप्टर का फोकस ये था कि डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये अलग बात हो गई, ये आपको आता है, आना चाहिए। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ठीक है, इससे कोई मकसद हल होगा? नहीं, हमें कनेक्शन एक्सेलरेशन से दिया था, तो क्या हुआ, हम इसको वापस से डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो इसको डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट वाले को तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये देखो 24t-6, 24 माइनस 24t-6 आ गया एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आ गई, 24t-6। एक्सेलरेशन जीरो दिया है तो एक्सेलरेशन के नीचे एक्सेलरेशन जीरो इज इक्वल टू 24t-6। अब क्या मुझे यहां पर टी निकालना सिखाना पड़ेगा क्या? ये इतनी छोटी सी लीनियर इक्वेशन है, इतनी सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, मुझे बताना पड़ेगा टी कैसे निकाला जाएगा। माइनस सिक्स उधर जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा, फिर 24 नीचे डिवाइड में जाएगा, 6/24 1/4 सेकेंड, यानी 1/4 सेकेंड में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी कहानी थी ये, मतलब कितना आसान, एकदम होता है ना कि हलवा, वो हलवा भी है और एक लड्डू बोलते हैं ना वो भी है ना, तुम्हें खुद उठा के नहीं खाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह में तुम्हारे को डाले दे रहा है, इतना आसान, इतना आसान है ये, कितना आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ए पॉइंट पी इज मूविंग ऑन ए कर्व इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, एक कर्व में एक पॉइंट मूव कर रहा है, और देखो इस बार एक्स के टर्म में इक्वेशन दी गई, वाई इज इक्वल टू 2x², ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन का मतलब समझा करो, यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें ग्राफ हो, ग्राफ इसे ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, इधर एक तरफ यानी ऊपर नीचे वाई होता है और लेफ्ट राइट में एक्स होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि समझो कोई एक लाइन है, समझ लो ये लाइन है, समझ लो ये लाइन है, समझ ना ये लाइन है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्स में समथिंग तुमने डाला, इसे एक्स में कोई पॉइंट तुमने लोकेट किया यहाँ पर, तो वाई में कुछ कुछ आएगा, है ना। कोई भी लाइन आपने समझो डाला एक्स में, समझो यहाँ पे 5 है, 5 है, तो लाइन में टच कराओ, 5 में टच कराओ, तो फिर वाई का एक कोऑर्डिनेट निकलेगा ना, हाँ निकलेगा, वही है ये कि एक्स में कुछ इस पॉइंट है तो वाई इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स में डाला 2 तो वाई कितना आएगा, x² 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यानी एक्स में 2 डाल रहे हो, यानी लाइन काफी तुम्हारी वर्टिकल जैसी है कि एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखो मैं फीलिंग में दे रहा हूँ आप लोगों को, फीलिंग में दे रहा हूँ, क्या फीलिंग दे रहा हूँ मैं ये फीलिंग दे रहा हूँ कि एक्स में 2 डाला तो वाई का 8 हुआ जा रहा है ना, एक्स में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, अगर ऐसे ग्राफ बना लो। मैं चलो यहाँ बुक खराब हो रही है, चलो मैं पेज में बता रहा हूँ, देखो मैं फीलिंग भी आपको बता रहा हूँ, जिसे फील करो आप लोग, मैं रटा रह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है आपका,
क्या कह रहे हैं कि एक्स में अगर टू डालो, देख लो टू एक्स स्क्वायर है ना, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स में मैंने टू डाला, टू का स्क्वायर टू के फोर फोर एट, वाई एट हुआ जा रहा है, यानी एक्स में टू, देखो एक्स में टू वाई, वाई समझे, देखो एक्स में टू वाई एट थोड़ा ज्यादा ऊपर होगा ना, मतलब यहां पर होगा ना, यहाँ पे ये एट देखो, यानी देखो ये है पॉइंट, यहां पर पॉइंट आ रहा है, यानी जो भी कर्व होगी काफी वर्टिकल जैसी लग रही है ना कर्व, अब कुछ भी हो सकती है मुझे नहीं पता, बट है तो काफी वर्टिकल है ना, क्योंकि एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, वाई बहुत आगे बढ़ा जा रहा है ना, एक्स में डालोगे तीन तो थ्री का स्क्वायर नाइन, टू द 18 में पहुंच जाओगे, वाई के 18 में पहुंच जाओगे, इस तरह इक्वेशन है, ये टाइम की इक्वेशन नहीं है, ये टाइम की इक्वेशन नहीं है, इस चीज को समझो जरा सा, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड, रेट 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 का मतलब समझो भाई, रेट का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं से तुम्हें डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डी एक्स, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब डी टी, यही तो होता है रेट, रेट का मतलब क्या होता है अपॉन टाइम, रेट का मतलब क्या होता है रेट पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर है एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ मतलब एक्स में हम बढ़ रहे हैं पर सेकेंड 4 यूनिट, ये हो गया डीएक्स बाई डी टी, इसको समझो जरा सा बात को, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग, मतलब डीएक्स कैसे चेंज हो रहा है, 4 यूनिट पर सेकेंड, यानी डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फोर, इज इक्वल टू फोर तुम्हें दिया हुआ है ना, ये समझो, क्योंकि आगे है ना अभी बहुत ऐसे काम आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो रेट एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेट है वो 4 यूनिट पर सेकेंड है, मतलब डीएक्स बाई डी टी चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हुआ, एक्स में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फोर, मतलब डीएक्स बाई डी टी का आंसर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें डीएक्स बाई डी टी का आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फोर, इक्वेशन नहीं दी है कि डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3t² + 4t ऐसा करके नहीं दिया, तुम्हें आंसर ही दे दिया गया उसका, अच्छी बात है सर। चलो चलो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग व्हेन द पॉइंट इज एट द 2.8, पूछ क्या रहा है मालूम है, एक्स का दिया हुआ है, पूछ रहा है कि वाई का बताओ, फाइंड द रेट, फाइंड द रेट ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी टी बताओ, ये कहानी थी, ये कहानी है ना, एक्स का दिया हुआ है डीएक्स बाई डी टी दिया हुआ है फोर, पूछ रहा है बोल रहा है कि डी वाई बाई डी टी बताओ, तुम डी वाई बाई डी टी बताओ कब, जब यहां पर पहुंच जाओ एक्स के 2 में वाई के 8 में पहुंच जाओ, एक्स के 2 में वाई के 8 में पहुंच जाओ, ये पूछ रहा है डी वाई बाई डी टी पूछ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएशन कहानी हमेशा रहेगी, देखो तुम्हें वाई इक्वल टू 2x² दिया हुआ है, तो वाई को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहां पे इक्वेशन की शक्ल कैसी दिखने लगेगी, डी वाई बाई टी है कि एक्स है, एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स दिखने लगेगा तुम्हें, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी शक्ल, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब तुम क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना अलग, और उसके बाद डी वाई बाई डी टी निकाल लेना, ये देखो कुछ ऐसे, ठीक है, तो समझ में आया, तो पूछ क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी टी पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, अब चाहो तो आप वैसे भी कर लो, डी एक्स डी वाई बाई डी एस के हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है ये देखो, हमें पूछा है डी वाई बाई डी टी पूछ रहा है, ये तो समझ गया ना, ये पूछ रहा है, देख काम करते हैं, इसको जरूर एक्स में दिया है मान रहे हैं, लेकिन तुम क्या करो मालूम है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही, टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो, तो सर टी तो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो देखो हमने किया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशिएट कर, अब यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लेकिन टी है नहीं, कोई बात नहीं, टी नहीं की, तुम पहले फंक्शन तो लगाओ, चेन रूल तो लगाओ, चेन रूल में क्या होता है, पहले पावर आगे आती है, तो टू आगे आई इंटू टू, बचा कुचा वैसे ही रख दिया, हाँ सर बचा कुचा वैसे ही रख दिया, ठीक है ना, समझ गया ना, टू आगे आया तो टू इंटू टू, ये बचा कुचा वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ गए, अब हम लोग जाएंगे एक्स के पास डिफ्रेंशिएट करने, चेन रूल, पहले पावर वाला लगा दिया, खत्म हो गया, अब एक्स के पास गए, तो जब एक्स के पास जाएंगे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के नहीं कर रहे हैं कि आप सोचो बस हो गया खत्म, नहीं खत्म नहीं हुआ है,
अगर यही टी एक्स होता तो हमने क्या करते, एक्स के पास जाते, एक्स का डिफरेंशिएट वन होता, खत्म कर देते यहां पर एक्स का डिफरेंशिएट वन। लेकिन एक्स के पास गए, एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे टी के, तो यार टी तो है ही नहीं, तो एक्स है, इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे करके छोड़ना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी करके। भाई एक्स के अंदर टी होगा, पता नहीं मुझे क्या है वो टी फंक्शन, जो लास्ट लेक्चर में बहुत बार मैंने पुश करके समझाया था चेन रूल के हिसाब से, कि यार टाइम के रिस्पेक्ट में ये एक्स है। तो पहला तुमने पहले तो चेन रूल के साथ लगा दिया, टू आगे चला आ गया, टू आगे आ गया, बचा कुचा एक्स वैसे रख दिया, ठीक है। फिर एक्स को डिफरेंशिएट करने गए, अगर यहाँ एक्स होता तो वन हो जाता, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है, तो कैसे करें यार एक्स को, यहाँ टी एक्स कैसे करें, हटाओ यार डीएक्स बाई डी टी कर, छोड़ो नहीं पता कैसे करेंगे, नहीं पता कैसे करेंगे। अच्छा क्या डीएक्स बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ था, क्या तुम्हें डीएक्स बाई डी टी दिया हुआ था? हाँ दिया था, फोर, ये गिवेन था फोर, तो यार हो गया ना, यहाँ पे क्या डाल सकते हो, यहाँ तुम फोर डाल दोगे डीएक्स बाई डी टी की जगह, ये गिवेन है फोर, ये मैंने अभी बताया था, यहाँ पे देख लो, मैंने समझाया था कि जो रेट ऑफ है ना एक्स कोऑर्डिनेट का, यानी डीएक्स का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में 4 यूनिट पर सेकेंड था, डीएक्स बाई डी टी 4 था, तो बस इसके अगर 4 डाल लेंगे, यानी डी वाई डी टी इज इक्वल टू 2 × 2 = 4x डॉट, ये इसका आंसर 4 हमें दिया हुआ है, यानी कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 16x आ गया। आई बात समझ में, ठीक है, 16x आ गया डी वाई बाई डी टी। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां पे चेक करना है, व्हेन द पॉइंट इज एट 2.8, व्हेन द पॉइंट चेक करो, क्या चेक करो, डी वाई बाई डी टी चेक करो, कब, जब पॉइंट कहां पर हमारा 2.8 पर है, 2.8 पर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 8, ये दिया ना 2.8 आ गया, आइए 2.8 समझ गए, ओके 2.8 कहां पर चेक करना है हमें, y वाले कोऑर्डिनेट को 2.8 पर चेक करना है, 2.8 यानी कि x है 2, y है 8, बस एक्स है 2, y है 8, ये तो पता ही ना कोऑर्डिनेट, पहला वाला एक्स है तो बाद में वाई होता है, यानी कि यहां 16x दिया हुआ है, हमें कहां पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू पे चेक करना है, वाई तो यहां पर है ही नहीं ना, वाई पे कहां डालेंगे कुछ, एक्स में 2 डाल दो खत्म बात, 16 × 2 = 32 आ गया, तो 32 डी वाई बाई डी टू ना वही मीटर पर सेकेंड या यूनिट पर सेकेंड जो भी कह लो आप, ठीक है, मीटर में दिया तो मीटर में कर दो, नहीं तो नहीं दिया कोई मीटर मतलब यूनिट पर सेकेंड, समझ गए। तो फिर से मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो तो स्टोरी क्या थी, स्टोरी ये थी कि तुम्हें एक इक्वेशन दी गई थी वाई इज इक्वल टू 2x² मतलब कि एक्स में कहीं पर कुछ पॉइंट है तो एक्स में कोई वैल्यू डालेंगे तो वाई का पॉइंट आ जाएगा, वाई उस वक्त कहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये था वाई इज इक्वल टू 2x², ठीक है, ये अलग इन्फॉर्मेशन थी। बाद में लिखा था द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इंक्रीजिंग इन द रेट, रेट आ गया ना, मतलब डिफरेंशिएट वाला ये वाली इक्वेशन ये आ गया, डी एक्स बाई डी टी कह लो या जिस फॉर्म में भी दिया हुआ, डी एक्स बाई डी वाई जो फॉर्म में दिया, तो यहाँ पे क्या है यूनिट पर सेकेंड, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट यूनिट पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकेंड कहीं पर एक्स, कहीं पर एक्स, कहीं पर है, इस तरह एक्स में घूम रहा है वो, ठीक है चलो अच्छा, यानी डी एक्स बाई डी टी 4 दिया था, कुल मिला के बात ये थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे दिया था फाइंड द रेट ऑफ वेज, फाइंड द रेट एट विच, रेट एट वाई कोऑर्डिनेट, कि वाई कोऑर्डिनेट क्या बताना है तुम्हें, रेट मतलब टाइम की बात आ गई, रेट मतलब टाइम की बात आ गई, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी तुम्हें कुल मिला के डी वाई बाई डी टी पूछा गया था, चलो अच्छा डी वाई डी टी पूछा गया था, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि डी वाई बाई डी टी बताओ कब, इस पॉइंट पर बताओ 2.8 पर, जब एक्स वाई में 2 हो वाई में 8 हो, ये एक इन्फॉर्मेशन बताई थी। होता है कि जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जो मैंने इससे पहले बताया था देखो स्पीड वाले में, इसमें वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले में, कि किसी पर्टिकुलर जब डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है जैसे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी क्या आ गई, ये इक्वेशन डिफरेंशिएट होकर 12t² - 60 + 5, अब जिस टाइम पे तुम्हें रखना वो टी टाइम डालो वो वही वी का आंसर आ जाएगा, बस यही कहानी है इसमें भी, कि हमें पूछा है डी वाई बाई डी टी और तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी एक्स और वाई दोनों इन्फॉर्मेशन दी थी, एट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, अब ठीक है ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है तो कुल मिला के हमें डी वाई बाई डी टी पूछा था, चलो अच्छा अच्छा जब हम हमें देखो हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए और वाई इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है, अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे
डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्स है, फंक्शन क्या है, एक्स है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाई डी वाई बाई डी टी ही बताओ, क्योंकि रेट की बात हो रही है, तो हम मजबूर हो गए डी वाई बाई डी टी करने के लिए, जबकि टी वाला टर्म था ही नहीं हमारे पास, वाई के साथ टाइम वाला टर्म ही नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा। कुल मिला के हमने किया क्या, किया डी वाई बाई डी टी किया, इस वाई को डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी टी। हम इसको डिफ्रेंशिएट, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, इसीलिए मैंने कहा था डिफ्रेंशिएशन तो बिल्कुल पक्का, मतलब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी आगे बढ़ना चाहिए था, फिर भी देखो टाइम लग रहा है। खैर, तो डी वाई बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी टी ही पूछा जा रहा था। चलो, तो हमने इसको चैन रूल से करने की कोशिश की, टू आगे आया तो टू आगे टू टू द फोर हो गया, बाकी बचा कुछ यानी एक्स बचा, बचा कुछ वैसे ही रख देते हैं, फिर डॉट, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन जब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वन मत कर देना, क्योंकि नीचे एक्स के टर्म में नहीं है, टी के टर्म में है। कर रहे हो तुम एक्स को भाई, वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी तुम्हारी मजबूरी है, हम नहीं कर पाएंगे इसे। तो डी एक्स बाई डी टी कर छोड़ा, लेकिन एक और अच्छी बात थी, क्या अच्छी बात थी, डी एक्स बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ था, तो डी एक्स बाई डी टी जगह हमने फोर रख दिया, फोर इंटू फोर 16x, कहाँ पे पूछा है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल 8 की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि एक्स ही एक्स दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स में 2 डालेंगे, आंसर आ जाएगा 32। गॉट इट? ये कहानी होती है, आगे भी कहानी कई जगह मिलेगी तुम्हें आगे के पार्ट में भी। ये देखो नेक्स्ट, ये सब एग्जाम में आते हैं वॉल्यूम वाले भी। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो जो लिखा होता है ना, उसको बहुत मतलब संभाल के उसका डेटा कॉपी किया जाता है ना। क्या दिया है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट, रेट आ गया मतलब अपॉन डीटी तो हो गया, अपॉन डीटी हो गया किसके, मतलब पी के रेस्पॉन्ड क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग यानी डीवी बाई डीटी, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट दिया है ना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बढ़ रहा है किसके किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, एट रेट लिखा हुआ है ना, एट रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, याद रखना, यानी डीवी बाई डीटी दिया हुआ है तुम्हें 9, मतलब दिया ही हुआ है, आंसर ही दिया हुआ है तुम्हें 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है पर सेकेंड, मतलब रेट हुआ डीवी बाई टी 9, ये एक इन्फॉर्मेशन दी थी, इसको लिख लो, ठीक है। तो पहली बात तो इस देखो, हर एक अपने क्वेश्चन की वेराइटीज होती है, जैसे कि स्पीड और एक्सेलरेशन वेराइटीज क्या थी, डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो पूछा हुआ वो निकाल लो, एक तो ये वेराइटी दिया गया था, फिर ये जो वेराइटी है, फिर एक वेराइटी है ये एक्स और वाई वाला ग्राफ जो मैंने अभी कराया, ठीक है, एक ये वैरायटी है, तीसरी वैरायटी ये बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तीसरी वैरायटी वॉल्यूम ऑफ मतलब शेप का वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, ये इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यही होता है तीन इसमें, और बाकी कुछ नहीं आता है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, रेट मेजर में, ठीक है ना। चलो अच्छा, तुम्हें डीवी बाई डीटी दिया है, ठीक है, अब बाद में क्या बोल रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट मतलब वही टाइम के रिस्पेक्ट वाली बात हो गई, कितना तेजी से सरफेस एरिया बढ़ रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। देखो क्यूब मत, देखो ये स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले भी कहा था, क्यूब का मतलब क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए, इवन सिलेंडर भी शायद कोन भी आएगा, इन सबके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेट बताओ, मतलब डी सरफेस एरिया के लिए क्या ले लें, एस ले लें, हाँ ले लें, अपॉन डी टी बताओ, बताओ डी एस बाई डी टी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मत समझना, डी एस मतलब एस एक सरफेस एरिया का एक मैंने सिंबल लिया है, ठीक है, और डी एस बाई डी टी बताओ, दिया डी वी बाई डी टी, पूछ क्या रहा, डी एस बाई डी टी बताओ, ठीक है, लेकिन कब, कब बताओ, कब बताओ, कब, एट वेन लेंथ ऑफ एज इज, एज मतलब साइड, एट एक्स, एक्स ले लो साइड, अरे भाई ये क्यूब है ना, क्यूब ये क्यूब है तो ये एक्स इसकी साइड हो गई ना, एक एच एक्स, कह रहे जब एच कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब देखो ये आगे बढ़ रहा है, 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 कह रहे कि जब ये जो एज है ना, जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाए तो इसके बढ़ने का, इसके सरफेस एरिया का, जैसे चारों तरफ सरफेस, ये सब मतलब मालूम होना चाहिए, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, नहीं तो नेट पे देख लेना तुम लोग, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया का बढ़ने का, सरफेस एरिया नहीं पूछा है, सरफेस एरिया पूछा तो मैं फट से फॉर्मूला मार देता, सरफेस एरिया नहीं पूछा है कि अगर
ए जो 10 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया बताओ, ये नहीं पूछा गया है। कह रहे हैं कि जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझे 2 सेंटीमीटर है, बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर एज, हाँ एज 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 सेंटीमीटर एज हो जाए, इसे फैल रहा है क्यूब, जब 10 सेंटीमीटर हो जाए तो इसके सरफेस एरिया का रेट क्या होगा? सरफेस एरिया नहीं, रेट बताना है। सरफेस एरिया होता है, मैं फॉरन सरफेस एरिया फॉर्मूला मारते निकाल नहीं लेता, मतलब डीएस बाई डी टी पूछा है कहां पर, जब एक्स टेन हो, तो यानी यहां पर कहीं ना कहीं एक्स का एक टर्म होना चाहिए, मैं एक्स की वैल्यू रखूं और आंसर आ जाए, बस यही बात हो रही है। खैर, इनको करने के तरीके क्या होते हैं, सुनो, इनको करने के तरीके ये होते हैं, दो पार्ट में होता है। पहली बात तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, और जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ये तरीका होता है। गिवन क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का, साइड मैंने एक्स लिया हुआ है, एक्स माना हुआ साइड, एक्स साइड का क्यूब होता है, चलो अच्छा ठीक है। और दूसरा सरफेस एरिया पूछा गया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का, क्यूब का सबके सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग अलग होता है, क्यूब का ये होता है 6, अब एक्स लिया है साइड तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये सरफेस एरिया फॉर्म, ठीक है। अब जो गिवेन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट पहले करते हैं, जो गिवेन है टेंशन ही नहीं है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये हमने डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट सर यहां पर एक्स है तो हम लोगों को डीवी बाई डीएक्स करना चाहिए, डिफरेंशिएट फंक्शन हमारा एक्स है, नहीं देखो यहां पर मैंने इसीलिए कनेक्टिविटी लिखी है, हमें गिवेन क्या है, हमें डीवी बाई डी टी गिवेन है, तो हमें डीवी बाई डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इधर एक्स है पी है जो भी छोड़ दो, तुम्हें करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में बस, क्योंकि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवेन होती है उसको ही पकड़ के चलते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया डीवी बाई डी टी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो पहला फंक्शन तो ऊपर क्यूब लगा तो क्यूब आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, बचे क्या एक्स, एक पावर माइनस हो जाए, एक्स स्क्वायर बचेगा डॉट, फिर हम एक्स के पास जाएंगे डिफरेंशिएट करने, जब हम एक्स के पास जाएंगे तो एक्स का 1 ना कर देना, बाई डी एक्स नहीं है डी टी है, तो एक्स को नहीं कर पाओगे, डी एक्स बाई डी टी ऐसे ही छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि डी वी बाई डी टी तुम्हें गिवन है 9, तो इसके नीचे 9 लिख देंगे, क्या दिक्कत है हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 9 = 3x² डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये देखो डी वी बाई डी टी। अब क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी को तनहा कर देंगे, सबको इधर लेकर आ जाएंगे, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9/3, तो आंसर 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर भी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचा डी एक्स बाई डी टी बचा, होल्ड कर दो, अब इसको होल्ड कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, होल्ड करो ठीक है। चलो यहाँ तक के हो गए, डी एक्स बाई डी टी हमारा आया 3/x², होल्ड कर दो। अब आ जाओ सरफेस एरिया पूछा है बेटा, आ जाओ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या पूछा है, एक्स के रिस्पेक्ट में कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, हाउ फास्ट मतलब रेट, रेट ही पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली हमें टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हमें डी एस बाई डी टी ही करना पड़ेगा, टाइम से पूछा गया, तो कितना आसान सा है, देखो ये वैरायटी है, कितनी आसान थी, जो गिवन होती है उसका फॉर्मूला लिखा, जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखा उस शेप का, ठीक है। जो गिवेन है पहले उसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन जिस रिस्पेक्ट में तुम्हें दी गई है इन्फॉर्मेशन उसी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करना आता है आके होल्ड कर दिया आगे। अब जो पूछा गया अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखें क्या होता है, देखेंगे क्या होता है, इज इक्वल टू देखो 2 आगे आ जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा, और बचे क्या एक पावर माइनस हो के एक्स बच जाएगा डॉट, अब हम एक्स को डिफरेंशिएट करने हैं, जब हम एक्स को डिफरेंशिएट करने जाएंगे फंस जाएंगे आप, क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि डी एस बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है कि एक्स करो 1 आ जाए आंसर, नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में, हम इस एक्स को बाद में, एक्स को करने गए ना इसको छुपा लो, बच्चा क्या एक्स अंदर गए एक्स को करने फंस जाएंगे, फंस गए मतलब डी एस बाई डी टी करके हमें छोड़ना पड़ेगा, चलो छोड़ दिया, समझ गया ना कितना अच्छा, एक स्टाइल को समझो कि भाई तुम्हें जो गिवन था उसका फॉर्मूला लिखा, जो पूछा गया था उसका फॉर्मूला लिखा, गिवन वाले का डेटा दिया था डीवी बाई डी, हाँ दिया था तो डीवी बाई डी टी करो, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में है तो ऐसे ऐसे करके डी एक्स बाई डी टी फंस जाएगा आके, डी एक्स बाई डी टी वहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। फिर क्या करना है सेकंड में, सरफेस एरिया पूछा गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा ही गया है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट किया एक्स नहीं कर पाओगे, डी एक्स बाई डी टी छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जरा डी एक्स बाई डी टी तो मेरा यहाँ पर आ ही चुका है, बाजू में देखो ना, बाजू में तो झाको डी एक्स बाई डी टी आ चुका है, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह 3/x² लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं देखो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12x. डी एक्स बाई डी टी की जगह 3/x² कर देंगे, ये लो खेल खत्म, पैसा खत्म, ऐसा लग रहा है मुझे।
देखो स्क्वायर से एक एक्स कट गया, 2x नीचे, एक एक्स कट गया, 12 3 36 एक्स आ जाएगा। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 36 अपॉन x। अब कहाँ पर पूछा था डी एस बाई डी टी? डी एस बाई डी कहाँ पर पूछा था? एट एक्स इज 10 पर पूछा था। अब यहाँ पे एक्स में 10 डालना, आंसर निकाल देना। आपको कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 10, 0 से 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा, 3.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। स्क्वायर क्योंकि एरिया है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर देना, एरिया में स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आ गया 3.6। देखा ना कितना आसान था। तो वैरायटी को समझो, वैरायटी के स्टाइल को समझो यार। ये इस टाइप की वैरायटीज का होता है, गिवन होता है, पूछा जाता है, दोनों के फॉर्मूले लिखे जाते हैं, पहले जो गिवन होता है उसका डेफिनेशन मारना होता है, जो पूछा जाता है उसका डेफिनेशन मारना होता है फिर, ठीक है। तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए क्वाइट लेक एंड रिपल मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो दिया क्या है देखो फिर से, रिपल मूव इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ, तुम्हें क्या गिवन है? डी एक्स बाई डी टी गिवन है, डी वी बाई डी टी गिवन क्या? ये बहुत अच्छे समझना क्या गिवन है, बहुत अच्छे समझना। पॉज करके पहले खुद पढ़ा करो, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो पॉज किया करो, पहले पढ़ा करो, मन में पढ़ा करो, पहले मन में पढ़ा करो, फिर मेरी लेक्चर को सुना करो, तो ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। देखो क्या लिखा हुआ, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, हमने एक स्टोन मारा पानी में, ठीक है, इन टू ए क्वाइट लेक एंड रिपल मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब सर्कल है, सर्कल ऐसे बढ़ने लगा, आगे पत्थर मारा ऐसे बढ़ता हुआ आगे आ रहा है, बढ़ता हुआ यू नो ऐसे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, उसकी स्पीड क्या है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब डेफिनेटली अब सर्कल में जाओ तो मेरे पास रेडियस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस भी बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ना मतलब ऐसे रेडियस बढ़ना, समझ लो रेडियस बढ़ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका सर्कमफ्रेंस भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ठीक है एक ये कॉन्सेप्ट चलो रेडियस ही लो, और दूसरा ये है कि एरिया भी बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा सर्कल था फिर बड़ा सर्कल था फिर बड़ा सर्कल था, ये दो चीज़ में हम कन्फ्यूज हो गए कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया, रेडियस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कि इसका सर्कल का एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दिया गया है। देखो अगर एरिया होता ना सेंटीमीटर स्क्वायर होता, एरिया मतलब स्क्वायर हुआ, ये सब बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक नॉलेज है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका मतलब कि यार सर्कल है, इसका मतलब रेडियस की कहानी दी गई है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस की कहानी दी गई है, मतलब कि तुम्हें डी आर रेडियस बढ़ रहा है पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है मतलब टाइम है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो ये तो यार तुम्हें गिवन था, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिपल इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीज। कह रहा है कि रेट बताओ, हाउ फास्ट मतलब रेट बताओ किसका, एरिया का, मतलब कि डी ए बताओ अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट डी टी, ये कह रहा है बताओ डी ए बाई डी टी बताओ, डी ए बाई डी टी बताओ टाइम के रेस्पेक्ट में, ये बताओ कब 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 कब, ये बहुत जरूरी है कब वाली कहानी, कब जब जब रेडियस हो 8 सेंटीमीटर, कब जब आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाओ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने क्या कहा था इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, दो पार्ट में करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं, दोनों का वॉल्यूम लिखते हैं, जो गिवन उसका वॉल्यूम और जो पूछा गया उसका वॉल्यूम। तो गिवन क्या है भाई, गिवन में तो सर कोई वॉल्यूम जैसा नहीं गिवन है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस में क्या फॉर्मूला है ना, मैंने पिछले दिन क्या कहा था, एक तरफ एक का फॉर्मूला लिखो दूसरे दूसरे का फॉर्मूला लिखो, लेकिन जो गिवन है, गिवन में तो डायरेक्ट डेटा ही गिवन है, मतलब इट इज नॉट इन एनी फॉर्मूला बेस, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जस्ट एक रॉ डेटा है कि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का रेट दिया हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहानी हो जाएगी dr by dt इज इक्वल टू, है ना, पहले हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम का, उसके बाद आगे बढ़े थे ना, पहले हमने ऐसे किया था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कहा गया ऐसे कर रहे थे ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर सरफेस एरिया का, तो इधर एक फॉर्मूला क्रिएट था तो फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं, एक तरह से रेडियस की कहानी है, जस्ट रेडियस है डीआर बाई डी टी, तो मैंने सीधा लिख दिया। चलो ठीक है, मैं दो पार्ट करना ही करना है ये, तो गिवन वाला तुम्हारा लेफ्ट में रहेगा और पूछा गया राइट में, तो डीआर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दिया, ठीक है
चलो अब बाजू में आ जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि एक फॉर्मूले में दिया हो बाद में डिफरेंशिएट, वैसा कुछ है ही नहीं इसमें, डायरेक्ट रॉ से स्टार्ट, मतलब डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पे dA/dt पूछा गया है, तो मैंने क्या कहा कि पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, किसकी बात हो रही, एरिया की, कौन से एरिया की, सर्कल की, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये सब मालूम होना चाहिए, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम्हें dA/dt पूछा गया, आप यहीं पर कर लो dA/dt, यही एरिया को हमने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो एरिया ये दिया हुआ, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, तो डी आर ना कर देना, हाँ आर ना करना, तुम्हें रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है, माने कि तुम्हारा फंक्शन में आर है लेकिन तुम्हें टाइम से ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो dA/dt पाई क्या है, अब इधर डिफरेंशिएट करके आंसर लिख रहे हैं ना, इधर डिफरेंशिएट लगा दिया, यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ आंसर चाहिए, यहाँ पाई आर स्क्वायर करके अगले स्टेप में आंसर डिफरेंशिएट नहीं करोगे, यहाँ पे dA/dt कर दिया, मतलब ये यहाँ पे जो लिखोगे अब ये डिफरेंशिएटेड ही होना चाहिए, फिल्टर्ड ही आना चाहिए, पाई तो कॉन्स्टेंट है सर, पाई तो साइड में हो जाता है तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो पाई हटा दो, आर की, अब देखो ये एक रेडियस एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन में क्या करो, फंक्शन फंक्शन चेन रूल लगाओगे, तो टू तो पहले आगे आ जाएगा, टू हम आगे आ गए, बचा कुछ है नहीं, बचा आर, ऐसे रख देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम आर के पास जाएंगे डिफरेंशिएट करने, आर को डिफरेंशिएट करने का फंस गया, क्यों, यहाँ तो सर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है आर को, तो भाई dR/dt करके छोड़ना पड़ेगा, dR/dt करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि dt है नीचे और ये आर को कर रहे हैं, अगर dR होता तो आर को डिफरेंशिएट करने जाते हैं, वन कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले पाई को साइड में कर दो, हटा दो पाई को, पहले हमने फंक्शन क्या लगा, टू को सामने लिया, सामने लिया, बचा कुछ यानी बचा था आर रख दिया, फिर आर के पास गए अंदर डिफरेंशिएट करने, आर को फंस गए, फंस के आ गया dR/dt करके लिख दिया। अब जरा आजू बाजू कंपेयर तो करो भाई, आजू बाजू में नजरे रखो, है ना, आग बन कर काम करते ही आएंगे, नजरे रखा, देखा यार dR/dt dR, अरे हाँ ये तो मेरे पास है आंसर, इसका फाइव आंसर है, ठीक है ना, टेंशन ही क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, हटाओ इंटू टू इंटू आर इंटू 5 dR/dt तुम्हें दिया हुआ था, देखा ना कितना मजेदार है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सच में हलवा है इतना, ये ऐसा है कि हम क्या बताएं, एक स्टाइल है, उस स्टाइल को फॉलो करना है, गिवन को यहां लिखना है, पूछने वाले को यहां लिखना है, रेस्पेक्ट ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में क्या दिया गया, बस कहानी खत्म, हाँ कहानी खत्म, तुम्हें dA/dt पूछा था, आ तो गया सर, फाइनल आंसर तो नहीं आया आर, अरे भाई आर इक्वल टू 8 है ना, आर में 8 डाल लो ना, अब क्या ये कैलकुलेशन मुझे सिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, हद हो गई, 2 × 8 × 5, अब भाई प्लीज अब इसको तुम कर लेना, अब इसके आगे तो नहीं, ठीक है अब इसको कैलकुलेट कर लेना, और dA/dt ही पूछा था, आंसर आ गया, देखा ना कितना जबरदस्त था, कितना जबरदस्त था, ठीक है। नेक्स्ट है दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और रह गए, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस रेडियस बढ़ रहा है एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2, अब ये तो समझ ही गया 1/2 सेंटीमीटर है, सिंगल लेंथ की बात हो रही, मतलब रेडियस की बात हो रही पर सेकेंड, कुल मिलाकर रेडियस बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में dR/dt। अब मुझे लगता है कि यार अब आप वीडियो पॉज करो, बोले भाई ये तो हम ही करेंगे, ये तो सर को हम नहीं करने देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है, आके आगे वीडियो देखोगे नहीं, बोलोगे नहीं ये तो हम करके ही रहेंगे, ठीक है। कुल मिला के तुम्हें मैंने क्या कहा, दो पार्ट में कर लेना, या पहले डेटा लिख लें जैसा स्टाइल है हमारा पढ़ने का, चलो डेटा लिख लेते हैं, पहले तुम्हें dR/dt गिवेन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चलो एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, एट वॉट रेट वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब dV/dt पूछा गया है, dT पूछा गया है, एट इंक्रीज वेन वेन सर, कब 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 ये रेट पूछा गया है, जब रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर हो, चलो हमारा स्टाइल वही है कि इस टाइप की वैरायटी हमने पहचान लिया, हमने क्या करना है, हमने तो दो पार्ट करने हैं, हमने दो पार्ट किए, यहाँ पे जो गिवन है अगर फॉर्मूले से गिवन है तो पहले फॉर्मूला मारना है बाद में डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है तो डायरेक्ट ही लिख लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें तो अच्छा है ना, तुम्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले वाले में क्या था मालूम, उस वाले क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम का अलग करना पड़ गया था हमें, देखो एक तरफ वॉल्यूम गिवन था तो वॉल्यूम का अलग हमने डिफरेंशिएट किया, बाद में सरफेस एरिया करना ही था, ऐसे किया था, लेकिन अब ये तो और ईजी हो गया ना, इसमें तो डायरेक्ट में dR/dt दिया ही हुआ है 1/2, चलो अच्छा ओके, अब इसमें कुछ मॉडिफाई कुछ फिल्टरेशन करना ही नहीं है, अब आ जाओ तो मैंने क्या इधर क्या रखोगे, वॉल्यूम की कहानी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो रख लें सर, फॉर्मूला तो लिख लें पहले, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लिख लें, तो वॉल्यूम क्या है, बबल इज वॉट, स्फेयर, स्फेयर है बबल, ठीक है ना, तो बबल यानी स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना,
पाई आर क्यूब, चलो करो डिफरेंशिएट इसे। डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी आर करेंगे। आप बोलो सर यहाँ पे आर एक फंक्शन है, आर करेंगे? नहीं, जो पूछा गया डीवी बाई डी टी तो डीवी बाई डी टी ही करना पड़ेगा। तो चलो भाई डीवी बाई डी टी ही कर दें इज इक्वल टू। अब यहां पर जब नीचे लिखोगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म ही होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर ऐसे फॉलो करते हैं, बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, गलत हो जाता है वो। अगर यहाँ डीवी बाई डी टी लिख दिया, मतलब यहाँ पे जो जब तुम फॉलो अप करोगे डिफरेंशिएट फॉर्म ही होना चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट नंबर हटाई, मतलब 4/3 पाई तो कांस्टेंट साइड में रख दो। अब देखो क्यूब एक फॉर्मूला लगा था फंक्शन के ऊपर, क्यूब को क्या करेंगे आगे ले लेंगे 3 को, फिर बचे क्या 1 पावर माइनस r² बचेगा। चलो फिर डॉट लगाएंगे, फिर r को जाएंगे डिफरेंशिएट करने। r को सर, r को तो नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? ये टाइम के t के रिस्पेक्ट में हम r को कैसे करते हैं? हमें dr बाई dt करके छोड़ना पड़ जाएगा। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। ठीक है, फिर आगे फॉलो करेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 π 3 r² dr/dt तुम्हें दिया हुआ था 1/2 दिया था, तो चलो dr/dt 1/2 लिख देंगे। अब क्या करना है? क्या dv/dt फाइनल आंसर आया? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी तो r फंस रहा है। अरे r तो दिया ही हुआ है, r के r डालो ना, 1 का स्क्वायर कर दो ना पूरा, सिंप्लीफाई। ठीक है ना, मतलब सच्ची में इतना आसान यकीन नहीं हो रहा है कि अब तक कितने खतरनाक खतरनाक कर रहे थे हम लोग, कितना आसान सी चीजें आ गई, वो भी 26 नंबर का आ रहा है, देखो तो। चलो अच्छा ठीक है, अब आ जाओ ACQ में। ठीक है, ACQ और ये VSAQ था, लेकिन क्वेश्चन का इंटेंसिटी देखोगे ना तो मुझे वैसे ही लग रहा है, मतलब ये तो इससे भी ज्यादा इजी लग रहा है, इससे भी ज्यादा इजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि DR टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट के बाद टाइम, डी आर बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है 0.7। डेटा लिख रहे थे, पहले डेटा लिख रहा हूँ, 2 पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है ना, रेडियस बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट 0.7। वॉट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, मतलब कि सर्कमफ्रेंस का रेट बताओ। सर्कमफ्रेंस सर, सर्कमफ्रेंस डी, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? सी ले लें, सिंबल सिंबल जो चाहे वो दे दो। चलो सी ले लें, डी सी बाई डी टी पूछा गया है, चलो सिंबल मैंने सी ले लिया सर्कमफ्रेंस फॉर्मूले का, कोई बात नहीं। एट एट कब क्या ये सब नहीं पूछा, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया कोई बात नहीं, छोड़ दो, देखें कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, 2 पार्ट किया जो गिवेन है यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या, तो डायरेक्ट ही दी गिवेन था dr बाई डी टी, क्योंकि फॉर्मूला जैसा रेडियस का थोड़ी ना होता है कि रेडियस का फॉर्मूला बताओ, तो डायरेक्ट dr बाई डी टी दिया ही हुआ था 0.7। ठीक है, अब जो पूछा गया है, पूछा क्या गया, सर्कमफ्रेंस का रेट पूछा गया, तो पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2 πr होता है, अच्छी बात है। चलो तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, टी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 2 π, तो भाई कांस्टेंट हटाई दो साथ में, साइड में हटा दो। अब देखो आर को हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे, जब हम आर को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, ठीक है, तो देखें यार यहाँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, करना है आर को, आंखें बंद करो, 1 ना कर देना कि हाँ भाई आर है तो 1 कर दो। तो टी देखो डी टी है, अरे यार अब क्या करें? चलो यार डी आर बाई डी टी करके छोड़ना पड़ेगा मैम, हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बाजू में नज़र लगाए रखना, डी आर बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है। देखो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन था ये, कुछ करने ही नहीं, कब कहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आर है ही नहीं, खत्म हुआ यार आर, अगर यहाँ पे एक आर बचा रह जाता फिर एक होता है ना, तो यार अब हम क्या बताएं, बोलो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो dr/dt × 0.7, चाहो तो पाई को ओपन ना करो, पाई में ही आंसर दिखा सकते हो, 0.1.4 π। सर्कमफ्रेंस है मतलब इस एक लेंथी लेंथ होता है, देखो रेडियस सिंगल लेंथ आ रही ना, प्लस सेंटीमीटर पे दिया है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए क्यूब होता है, तो 1.4 π देखो आ गया। मतलब बताओ ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों थे, सोचो जरा सा, सोचो। ठीक है ना, मतलब ऐसे एक एक उसमें दिए हुए, एक एक लाइन में। चलो अच्छा नेक्स्ट, हाँ देखो लिखा हुआ है ए बलून, फॉर्मूले पक्के होने चाहिए, बचपन वाले, बचपन की यादें ताज़ा करनी पड़ेंगी, 7-8 में पढ़ते थे, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हम लोग ने बचपन में, कोन वेन की कहानी बचपन में पढ़ी हुई है। फिलहाल तो मेरे कोन का क्वेश्चन तो आपने मार्किंग नहीं की, तो कोन का ना याद करना। चलो आ जाओ, पहले डेटा लिखेंगे हम लोग, चलो डेटा लिखते हैं पहले। ए बलून
विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, स्फेयर शेप की बात हो रही है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक, देखो 900 क्या आ गया, क्यूबिक आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या, समझो बात पहले, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मैं ऐसे करके पहले लिख रहा हूँ, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम की बात हो गई है, हो गई वॉल्यूम की बात, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड मतलब टीवी बाई टी टी तुम्हें दिया गया, वॉल्यूम की बात हो गई, सेंटीमीटर क्यूब है ना, ऐसा चीज़ें पहचानो सर, वॉल्यूम लिखा नहीं है, ऐसा करके समझ जाओ क्या है, सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, देखो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम का रेट दिया पर सेकेंड, डीवी बाई डी टी तुम्हें किया मैंने, चलो एक डेटा मैं लिख रहा हूँ अभी, बाद में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बलून फाइंड द रेट, रेट मतलब रेट किसका, रेडियस का, मतलब डी आर बाई डी टी तुम्हें पूछा गया है कब 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 एट आर इज इक्वल टू 15, भाई मुझे लगता है कि तुम पॉज करने वाले हो, आगे बढ़ने नहीं वाले हो, खुद ही करने वाले हो, खुद ही कर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम लोग है ना लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, तुम तो फौरन उड़ा दोगे इसे, देखो क्या था कॉन्सेप्ट, दो पार्ट किए, यही कॉन्सेप्ट था इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो एक तरफ क्या होता है जो गिवेन है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, जो पूछा गया उसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे कहानी देखो कैसे हो रही, जो पूछा गया है ना डी आर, यार रेडियस पूछा गया इसका क्या फॉर्मूला लगाए, रेडियस का फॉर्मूला होता है जो दिया हुआ है इसमें फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही, कैसे भी आ जाए ना, हो सकता है दोनों में फॉर्मूले की जरूरत पड़े, हो सकता है इधर पड़े इधर ना पड़े, हो सकता है इधर इधर ना पड़े इधर पड़ जाए, अब ऐसा क्वेश्चन आया कि इधर फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ रहा है जहां पे गिवेन है, देखो यहाँ पे गिवेन है, गिवेन का डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आस्क का डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गिवेन में वॉल्यूम, हाँ यार वॉल्यूम का अपना फॉर्मूला होता है, स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, तो बस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट डीवी बाई डीटी मत कर देना फॉर्मूले से, तो गिवेन में फॉर्मूला वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम और स्फीयर का फॉर्मूला मारेंगे कितना होता है 4/3 πr³ होता है, अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट मारेंगे डीवी बाई डी आर, नहीं डी वी बाई डी टी ही करना है क्योंकि कनेक्टिविटी जो दी गई है, चलो मैंने डी वी बाई डी टी किया इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4/3 πr³ लिख दिया, फॉर्मूले को मैंने जस्ट कंटिन्यू किया है ना, अब जरा ध्यान दो डी वी बाई डी टी तो मैं दिया ही हुआ है, चलो फॉलोअप करो, डी वी बाई डी टी की जगह डी वी बाई डी टी डाल देंगे, 900 इज इक्वल टू 4/3 πr³, चलो इसको यहाँ पे होल्ड कर दो, अब आस्क वाले में आ जाओ, पूछा क्या क्या, डी आर बाई डी टी पूछा गया है ना, डी आर बाई डी टी पूछा गया है तुम्हें, अच्छा यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, फॉलो नहीं लिया आपने ठीक से, क्या मैंने गलती नहीं की है, मैंने जब यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो इसको डिफ्रेंशिएट ही कहाँ किया मैंने किया ना डी वी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट तो करो है ना, तो डिफ्रेंशिएट तो किया ही नहीं आगे, तो 4/3 π तो कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 r, बचेगा आर स्क्वायर, एक पावर माइनस हो जाएगी, फिर आर के पास जाएंगे डिफरेंशिएट करने, आर को तो भाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सर आर को, तो डी आर बाई डी टी करो है ना, नहीं कर सकते, डी आर बाई डी टी छोड़ना पड़ेगा, जस्ट बता दो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है चलो, तो अब देखो अब क्या करना मालूम है, सबको इधर ले आना, क्यों सबको इधर लाना है, क्योंकि तुम्हें इस तरफ आस्क में क्या पूछा गया है, डी आर बाई डी टी पूछा गया है ना, यही ना हमारा, तो डी आर बाई डी टी यहाँ मिला है, सबको इधर ले आएंगे तो डी आर बाई डी टी तुम जो वैल्यू आ जाएगी, चलो तो डी वी बाई डी वाई डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ, 900 दिया हुआ है, ये डी वी बाई डी टी दिया है ना 900, 4/3 इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक 3 भी नीचे आ जाएगा, देख लो 4/3 का 3/4 हुआ, पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में, ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर नीचे डिवाइड में, यहां पे जस्ट बचेगा डी आर बाई डी टी बचेगा, समझ गए समझ गए, डी आर बाई डी टी को तनहा करके सबको इधर ले आओ, ठीक है, 4/ अच्छे 3 3 कट ही रहा था, चलो कोई बात नहीं, तो 4/3 का 3/4 हो जाएगा, पाई ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी बचेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा इसे, चलो कर दो, क्या करूँ मालूम है, ये 3 है, 3 से 3 हटा ही दो, ठीक है, तो बचा क्या, और चाहो तो 4 को तुम 900 डिवाइड कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है कर भी सकते हो चाहो तो, लेकिन चाहो तो बाद में, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, 4 और क्या बच रहा है, पाई नीचे बच रहा है, आर स्क्वायर नीचे बच रहा है, इज इक्वल टू डी आर बाई
डी टी, ये आ गया फाइनली आंसर डी आर बाई डी टी का। अब आ जाओ यहाँ पे डी आर बाई डी टी इक्वल टू, तो पूछा था डी आर बाई डी टी, तो आ गया, बस करो यहाँ पे आके डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आया, ये आया चलो 900, नीचे क्या है 4 है, पाई है, आर स्क्वायर है, डी आर बाई डी टी आ गया, बस खत्म। एक स्टेप रह गया है, क्या एक स्टेप रह गया है, कहाँ पे डी आर बाई डी टी पूछा था, आर इज इक्वल टू 15 पे पूछा था, लो आर 15 मार देना, क्या दिक्कत है तुम्हें, 15 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेना, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या हो गई थी, जब मैंने फॉलो किया डी वी बाई डी टी, इधर था डिफरेंशिएट नहीं किया, डी वाई डी टी यहाँ लिखा लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ आना चाहिए। ये मैं बार बार समझा रहा था कि नीचे जब डी वी बाई डी टी इधर कर रहे हो, डिफरेंशिएट वाला दिखा रहे हो, तो ये भी डिफरेंशिएटेड वाला ही होना चाहिए फिल्टर, बाद में नहीं करना अगले स्टेप में, ठीक है। तो बस ये कहानी थी इसकी। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, फिर बाद में एक और है इलेक्ट्री में, देखो चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। सपोज वी हैव रेक्टेंगुलर एक्वेरियम मतलब क्यूबाइड की बात हो रही है, शेप समझना बहुत जरूरी है, क्यूबाइड की बात हो रही है, ओके। विद डायमेंशन ऑफ एल बी एच, लेंथ ब्रेथ की मतलब ब्रेथ और हाइट 843, तो एल बी एच दिया हुआ है 843, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी, हाइट इतनी, चलो। बाद में लिखा हुआ है सपोज वी आर फिलिंग द टैंक विद वाटर एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर पर क्यूब पर सेकेंड मतलब ये किसी का तो रेट है, किसका है, एरिया का है क्या, लेंथ का है क्या, हाइट का है क्या, नहीं सर मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम का है, यानी डी वी बाई डी टी से दिया हुआ रेट मतलब डी टी इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है। चलो अच्छा ये दूसरा डेटा ये दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द हाइट, हाउ फास्ट मतलब रेट पूछ रहा है किसका, हाइट का, ऑफ वाटर चेंजिंग विन वाटर लेवल इज 2.5 मीटर, कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट यानी डी एच विद रिस्पेक्ट टू डी टी, बताओ डी एच बाई डी टी विद, बताओ कब कब कब, जब हाइट कितना हो 2.5 मीटर हो, वाटर लेवल मतलब हाइट ही हुआ ना, वाटर जब 2.5 मीटर पहुंच जाए तब डी एच बाई डी टी कितना है। तो हमारा भाई स्टाइल जो मैंने बता दिया था वो वही पक्का स्टाइल रहने वाला है, उसमें कोई भी छेड़कानी नहीं है, एक तरफ गिवेन एक तरफ गिवेन, अगर फॉर्मूले से स्टार्ट है फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट करो, आज के भी फॉर्मूले से यहाँ भी फॉर्मूला स्टार्ट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट मारो। तो गिवेन में क्यूबाइड का यानी डी वी बाई डी टी यानी वॉल्यूम से ही रिलेटेड है, गिवेन में वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये क्यूबाइड है, एक्वेरियम क्यूबाइड है, तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या कहा था अगर वॉल्यूम यानी किसी फॉर्मूले से स्टार्टअप है तो फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ो, है ना, पूछा भी फॉर्मूले से रिलेटेड तो इधर भी डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ो, यानी वॉल्यूम के पास तो फॉर्मूला होता है, पहले रेडियस था वो सब चीज़ें थी उसमें फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़े जा रहे थे, अब तो हमारा फॉर्मूला है ना वॉल्यूम का, तो चलो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट मारो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, यही तरीका है कि नहीं तरीका है, मैंने क्या बोला था जो गिवन है और जो पूछा गया है इस तरह बांट लो, गिवन में अगर फॉर्मूले से कहानी स्टार्ट है तो फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से ही स्टार्ट मारो, डायरेक्ट डेटा मत डाल दो डी वी बाई डी टी दिस, नहीं नहीं, वॉल्यूम वाली कहानी गिवन थी तो वॉल्यूम कहानी गिवन थी डी वी बाई डी टी, तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला मारो फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। तो देखो अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करें यहाँ पे थोड़ा संभालना भाई, एल बी एच एक्चुअली तो तीनों कहानी दी गई है, एल बी दिया, बी भी दिया हुआ है, ठीक है, और एच भी दिया हुआ है, तो हम तो ऐसे तीनों कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, तो फायदा क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें एच की वैल्यू नहीं रखना है, एच की वैल्यू नहीं रखना है, क्यों सर एच की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, कॉमन जरा लॉजिक लगाओ, तुम्हारे पास एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम के पास एक लेंथ फिक्स होगी, लेंथ भी फिक्स होगी, ब्रेथ भी फिक्स होगी, सर हाइट भी तो फिक्स होगी, आप क्या बोलोगे सर हाइट भी तो फिक्स होगी, अरे भाई सुनो सुनो, एक तुम्हारे पास एक्वेरियम है, एक बॉक्स है, ठीक है, जब बॉक्स में तो पानी जैसे डालना शुरू करोगे, पानी जब उसमें जाएगा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स हो जाएगी ना, पानी फैल जाएगा, लेंथ और ब्रेथ फिक्स, बदलेगा तो क्या बदलेगा, सोचो, ये देखो भाई ये जो एच दिया है ना 3, ये झूठा है, हटाओ, ये एच है ना एक्वेरियम की हाइट है, हमें एक्वेरियम की हाइट से मतलब नहीं है, हमें देखो हमने पानी डाला, पानी जैसे जाएगा
उसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ फिक्स हो जाएगी। जैसे जैसे पानी भरता जाएगा उसका बदलाव होगा, तो किस में बदलाव होगा? हाइट में बदलाव होगा। अरे हाइट ये 3 दिया है, छोड़ दो ना, उससे मतलब नहीं है, हमें पानी के शेप से मतलब है, पानी से। तो पानी जैसे जाएगा तो ब्रेथ और उसका लेंथ मतलब फिक्स हो जाएगा। अब जो भी है, पानी बढ़ता जा रहा बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ रही, हाइट बढ़ रही, हाइट में चेंज हो रहा है। ये हाइट में झूठी हाइट दी गई है, छोड़ो इसको, हाइट में चेंज हो रहा है। यानी एल और बी तो दिया है तुम्हें, हाइट तुम्हें नहीं दिया हुआ है भाई, ठीक है ना? ये समझो तरह कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? बाद में दिया गया है, वो बात की बात है, जब डी एच बाई डी टी करी वो बात की कहानी है। सुनो, तो एल बी कितना हो गया? 8 × 4, 8 × 4, ये तो दिया ही हुआ है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। एच को डिफ्रेंशिएट, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है ना, ये तो कॉन्स्टेंट तो वैसे ही रखेंगे ना भाई, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड करते हैं, तो यार एच को डिफ्रेंशिएट क्या 1 आएगा? नहीं भाई, यार डी वी बाई डी एच थोड़ी ना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एच नहीं कर पाओगे, डी एच बाई डी टी वैसे छोड़ना पड़ेगा, डी एच बाई डी टी छोड़ना पड़ेगा। चलो अच्छा, अब देखो जरा कहानी की, यार डी वी बाई डी टी तो तुम्हें गिवन था 0.4, तो लिख दो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? 0.4 इज इक्वल टू 32 × डी एच बाई डी टी, 32 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। ब्लॉक मार लो, चाहो तो डिवाइड करके आंसर भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो अब आ जाओ, गिवन में पूछा क्या गया था, पूछा कुछ फॉर्मूले से था, तो फॉर्मूले से स्टार्टअप मारो। अगर फॉर्मूले वाली कहानी पूछी गई, सरफेस एरिया वाला किया, तो फॉर्मूला हमने डाला, डिफ्रेंशिएट किया, तो सर पूछा फॉर्मूले से नहीं था, पूछा तो डायरेक्ट ही है, हाइट वाला ही पूछा था, फॉर्मूले से सर नहीं है, ठीक है? हाइट तुम्हें गिवेन है, तो जो पूछा गया, चलो डी एच बाई डी टी पूछा गया, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, अरे सर डी एच बाई डी टी तो हमारा आ ही गया, ये लो ये तो आ ही गया है ना, तो डी एच बाई डी टी ही तो आया ही है, तो बस कर दो ना, इसमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। बोलो सर एच की वैल्यू कहाँ डालें? भाई कुछ एच है ही नहीं कुछ फंक्शन में, डायरेक्ट दे आ ही गया आंसर, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे एच एच फंसा रह जाता कि 0.4 32 या 0.4 एच डिवाइड बाई 32, तो यहाँ पे 0.4 एच डिवाइड बाई 30, तो एच में हम 2.5 डालते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? है ना, है ही नहीं, तो क्या करें? नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, समझे? जैसे इससे पहले रेडियस वाले में किया था, यहाँ पे आकर रेडियस फंस गया था, है ना, आर आर ज़्यादा थे, अब यहाँ पे सिंगल एच था, तो वैसे के वैसे ही हो गया। तो अगर ऐसा होता एच का स्क्वायर, तो एक एच बच जाता, सोचो जरा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक एच आ जाता, फिर यहाँ डी एच बाई डी टी इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे एच अगर फंसा रह जाता तो एच में एच डाल देते हैं, यहाँ पे एच कुछ है ही नहीं, बस यही है आंसर, खत्म हो गई बात, डाल देना क्या मीटर पर सेकेंड करके, और डाल देना आंसर, ये सब यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो कंपेरिजन कर लेना। अब क्या करना मालूम है, जैसे 4 5 10 क्वेश्चन जो भी हैं, क्या करना, बड़ा सा पेज लेना, एक क्वेश्चन इधर करना, इसके सामने एक क्वेश्चन इधर, इसके सामने छोटा छोटा एक क्वेश्चन इधर, इसी के सामने, हमेशा कंपैरिजन करना सीखो, ये सब आपको खुद आना चाहिए, खुद ही करना है ये सब चीज़ें, खुद ही सोचो क्या, चलो ऐसा 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 करके देखते हैं, फिर देखते हैं यार क्या फ़र्क आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसा होता है इस टाइप का, ऐसे करके देखा करो। तो ये बहुत सही तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये रेट एंड मेजर ओवर होता है, रेट मेजर ओवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहले करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल पहले करेंगे, ठीक है? उसके बाद बाकी देखेंगे, ओके?